जय गुरुद्वारा साहिब। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। हम पहुंच चुके हैं अमृतसर गोल्डन टेंपल गुरुद्वारा साहिब। और यहाँ पे ये प्राचीन शनिदेव जी मंदिर है। 1700 कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 61 शायद। मैं जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और किस मुश्किलों से मैंने आप लोगों के लिए भी बनाया है और अपने लिए भी बनाया है। तो ये यहाँ पे सामने हमारे को मंदिर दिख जाता है। पहले जिस गेट से मंदिर क्रॉस करेंगे, वहाँ पे सबसे पहले बाहर वाली साइड में प्राचीन जो शनिदेव मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। बाकी यहाँ से पीछे का जो वीडियो था, हमने खाया भी था कुछ बादाम या शेक, वो तीसरे चैनल पे आएगी वीडियो। यहाँ पे अभी तो हम बाहर थे ना, तो मेरे यहाँ पे अभी फोटो खींचे जा रहे थे। इतना खूबसूरत नज़ारा था, मैं सच में कभी इतना इतनी सुंदर जगह मैंने अपनी आँखों से नहीं देखी थी, कभी भी नहीं आज तक। और रात के 12 बजे थे, यानी कि इस टाइम था 11 बज गए थे। नहीं, अभी तो जब हम अंदर जा रहे थे ना, फिर हम तो लाइनों में लगे थे बाहर, तो अभी 10 का बजे का टाइम होगा शायद। हाँ, तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोल्डन टेंपल अमृतसर में। बहुत प्यारी जगह है सच्ची में। सच बोल रहे थे आप लोग कि अगर आप यहाँ पे नहीं आए तो आप कहीं, मतलब पंजाब में अगर यहाँ नहीं आया के तो कहाँ गए। सही बात है। और अभी बस हम जले जा रहे थे, ये देखो ये पीछे आ रहे थे। और ये बड़ी पुरानी होंगी ये इमारतें। मैं पूछ भी रही थी वहाँ से राजन और इसे, तो मतलब उसको इतना पता नहीं था कि मैंने कहा बताइए इमारतें कब की है। चारों साइडों से इस तरह बनी हुई है ना, और बीच में से ये रोड रास्ता। और ऐसा पता क्या लगता था, रात का ही टाइम था, तो ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया यहाँ पर ही है और कहीं भी नहीं है। लोग सारे के सारे दुनिया यहीं पे है। इतना ज़्यादा जो रश और इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा लोगों की श्रद्धा। तो यहाँ पे ये मेन गेट है, यहाँ पे 4 गेट है इसमें बने हुए, इसी तरह के गेट है चारों। और चारों साइड से यहाँ पे लोग आते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों के लिए ये गुरुद्वारा साहिब खुला है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग जो है आ सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है। देखो, मैंने जो सुना है मैं वही चीज़ आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा, एक परमजीत करके हैं, वो रहा था आंटी, मुझे आपको ना कुछ जानकारी देनी है। सही बात है, मुझे कोई अच्छी चीज़ सिखाए तो मैं ज़रूर सीखूँगी। तो वो बाबा जी नहीं बोलना कहते, वो गुरुद्वारा साहिब है, तो बिल्कुल और टेम्पल नहीं है। ये भी कई लोगों ने कहा था वो गुरुद्वारा साहिब है, तो मैं अब मेरे दिमाग में बैठ गई है बात, क्योंकि ये चीज़ पता नहीं थी ना। सच बोल रही हूँ, अपना तो बस एक ही है, भगवान है और नहीं पता कौन क्या है। तो ये मतलब यहाँ पे ये कुछ चीज़ जो बनी हुई थी, यहाँ पे कुछ संगमरमर की बनी हुई थी। और यहाँ से ना नीचे को ये रास्ता है, ये देखो यहाँ से ना नीचे को रास्ता है। पता नहीं आगे ना एक छोटा जैसा वो है, और कमरे भी अंदर नीचे से अंडरग्राउंड भी। तो ये चीज़ पता नहीं ये बहुत पहले की होगी, राजा महाराजाओं के टाइम की होगी शायद। और लोग इतने ज़्यादा थे, ऐसा लग रहा था ना सच्ची में पूरी दुनिया यहीं पे है और कहीं भी नहीं है। और मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी। और मुझे एक मेरी वहाँ पे दीदी, सब्सक्राइबर दीदी मेरी वहाँ पे मुझे मिलने आई थी, और लेकिन वो अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो मतलब वीडियो में अगर थोड़ा सही हो सकता है कि जैसे ज़्यादा हिलता है फ़ोन ना। अच्छा, थोड़ा ये भी लग रहा था, बस यहीं यहाँ तक के अंदर तक भी बना रहे थे, लेकिन गुरुद्वारा साहिब के अंदर हमने नहीं बनाई। तो यहाँ पे फिर हम हाथ धो रहे थे, और अभी हम यहाँ से गेट क्रॉस करेंगे। तो ये देखिए सामने, अभी तो मतलब यहाँ पे कम में पीछे बहुत भीड़ थी जहाँ से लोग आ रहे थे अंदर को। तो मन खुश हो जाता है लोगों की इतनी श्रद्धा देख के। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में बुरा ही है या ऐसे लोग, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो इतनी बहुत सारी श्रद्धा रखते हैं भगवान के अंदर। तो चलिए अभी हम चलेंगे अंदर यहाँ से। और मैं पता है, जब मैं दुर्गियाना धाम गई थी ना श्री, तो वहाँ पे मैं सोच रही थी कि ये होगा गोल्डन टेम्पल, तो मुझे पता नहीं था। फिर अंदर जाके मैंने देखा वहाँ पे वो मंदिर है। तो
पैर धो जाते हैं यहाँ पे ना। बहना किधर चली गया? वाव है ना। तो देखिए गुरुद्वारा साहिब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और काफ़ी दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि वो बोलियो कब आएगा, तो देखिए आ चुका है। और यहाँ से जब मैंने ये दृश्य देखा ना मेन गेट से, जो यहाँ पे गेट मेन क्या मतलब यहाँ पे चार गेट हैं ऐसे, तो मेरी आँखें भर गई। और माता रानी जो है आप सबका बहुत बहुत भला करे, गुरुद्वारा साहिब आप सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। और कविता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनको हमेशा स्वस्थ रखें, आप सब लोगों को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी के साथ हम एंटर कर गए थे और यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे, तो सभी लोग यहाँ पे कोई फ़ोटो खींच रहे थे, सेल्फियाँ ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो मुझे और ईजी हो गया क्योंकि हम थोड़ा सा मैं हिचकिचाती हूँ ना कहीं अगर कोई और किसी ने फ़ोन ना पकड़ा हो कैमरा, तो फिर एक ही बंदा बुरा सा लगता है ना। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम इस पानी के पास बैठ रहे थे, ऐसा लगता है कि स्वर्ग अगर कहीं होगा तो शायद इसी तरह का होगा ऊपर जाके। और ये पानी देखो मछलियाँ किस तरह की, लाल मछलियाँ यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पे हम लोग बैठे कुछ देर थोड़ी देर और फिर हम यहाँ से निकले थे आप पार्क, और पार्क इतनी लंबी लाइन लगी थी, ये देखो मछली। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बाकी हम यहाँ पे आगे जब हम गए तो हमें भी काफ़ी देर लाइन में लगना पड़ा, और हुआ ये कि 10:30 बजे, हाँ 10:30 बजे जो है, तो हमने दर्शन दूर से करे, फिर वैसे हम अंदर गए हम गुरुद्वारा में भी गए अंदर। तो ये देखिए पानी के बीच में क्या लग रही थी ये चीज़ें, इमारतें, मंदिर, और सभी लोग बहुत खुश थे यहाँ पे। ये देखिए ये शैली और शेफाली हैं जो मेरे साथ गए थे, ये वो हैं। और इस टाइम मेरी आंखें नम थी, मेरी आंखों में आंसू थे, पता नहीं ये नज़ारा नसीब हो पाता यहाँ तक आ पाते। तो रश्मि यहाँ पे मैंने बोला कि हमारा फ़ोटो ले लो एक सामने, तो राजन को और हनी पापा को मैंने इस साइड खड़ा कर दिया और हम तीनों इस साइड खड़े हो गए थे। अब देख सकते हैं जैसे पानी के बीच में भी सोना हो, मतलब अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय थी ये चीज़ मेरे लिए, बहुत ही सुंदर। तो अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से आगे, और मैंने बोला कि थोड़ी सी मैं भी एक ना सेल्फी लेती हूँ। रश्मि भी आ गई वो हमारे बीच में, बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं सच्ची में, बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं। तो अभी हम निकलते हैं आगे को।
यहाँ से लाइन में जाते हैं, इतनी बड़ी लाइन लगी है ना कि तो ये देखिए यहाँ पे हम जाते जाते पार इतनी ज़्यादा लाइन, मतलब बहुत ज़्यादा रश था, और इनके इनका मैं फ़ोटो मंदिर के सॉरी यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के साथ खींच रही थी बार बार, और सबका सभी लोगों का यहाँ से घूम के हम इधर को आ रहे थे, और कुछ लोग वापस आ गए थे दर्शन करके, और कुछ लोग अभी लाइन में लगे थे, कुछ लोग जा रहे थे। तो आप सभी भी मत्था टेक लीजिए, जो लोग नहीं गए उनके लिए बहुत ही मतलब एक ऐसा ऐसी चीज़ है जो नहीं देखी हो ना कभी चीज़, वो कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लगती हैं। बाकी जो यहाँ पे जाते रहते हैं उनको तो पता है, लेकिन फिर भी एक अलग सा अनुभव, एक अलग सी खुशी मिलती है जब हम वीडियो में भी देखते हैं कोई चीज़ है जिस जहाँ से हम बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अभी वो वहाँ पे सामने लाइन लगी है, हम तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, फिर हम दूसरे गेट से गए थे जब ग्रंथ साहिब जी अंदर गए थे, तो ये अब वहाँ से आ रहे थे। मतलब ऐसा वहाँ पे बोल रहे कि टाइमिंग होती है। अब राजनूरी को भी इतना पता नहीं था ना, तो बाकी आप लोग बताना जो मुझसे गलती होगी बताने में, मुझे कोई ऐसा वहाँ पे मिले ही नहीं जो मुझे अच्छी तरह से बता सके यहाँ इस जगह के बारे में। बाकी हाँ शैली और उन्होंने राजन और दशमी से हमारे लिए काफ़ी अच्छा बताया, मुझे भी ऐसा होता है। तो देखो आप रश देख सकते हैं, जाया ही नहीं गए हम, उरली गेट से गए अंदर को, तो मैं उतने को यहाँ से गए हम जो सामने पीछे से दिख रहा है ना दो मीनारे जैसी, यहाँ से हम अंदर को गए थे और फिर बैठ गए थे हम आराम से। मैंने कहा अभी तो आना नहीं है नंबर, तो फिर आराम से बैठ जाते हैं, और बस ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे दृश्य को हमेशा के लिए अपनी आँखों में, मतलब निकल ही नहीं रहा था हमेशा के लिए, क्या घर भी आ गया अभी भी कितने दिन बाद में वीडियो एडिट कर रही हूँ इसको, तो मतलब जैसे सामने वो नज़ारा है, वो कभी सोचा नहीं था कि हम इस जगह पे आ पाएंगे, लेकिन उसकी दुनिया में ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम लोग दूसरे गेट में लाइन में लगे थे, और अब देखो अंदर जा रहे हैं, और वहाँ से फिर लाइन हट के फिर वो पता नहीं 2 बजे अंदर जाने थे दोबारा से, ऐसा बोल रहे थे। तो थोड़ा सा मैंने शूट कराया यहाँ से ही, जूम करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। पंखे लगे हुए थे अंदर जाके, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि अंदर जाके ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, और बाहर जो बहुत गर्मी थी। ये देखो पालकी आ रही है, ये जा रही है मतलब वहाँ से आ गई गुरुद्वारा साहिब से, और यहाँ पे एक कमरा है, भवन है बोल लो, तो वहाँ पे ही जाएंगे। और अब श्रद्धालु वैसे ही भीड़ में लगे रहेंगे, वो सुबह तक का इंतज़ार करेंगे, रात को 3 बजे जब भी आएंगे तब वो ऐसे ही बैठ रहेंगे लाइन में लगे रहेंगे, वो दर्शन करके ही जाएंगे। तो हम फिर अंदर गए, ये देखो अब इस वाले गेट के पास भीड़ लग गई, वहाँ से भीड़ हट गई। मैं
आपके तो बदल नहीं रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं दर्शन करने अंदर। और मैं पता इतना खुल के नहीं बोल पा रही हूँ, देखो जिस चीज़ जहाँ के बारे में ज़्यादा पता ना हो ना वहाँ के बारे में ऐसे नहीं बोल देना चाहिए। तो मैं थोड़ा ना सोच समझ के ही बोल रही हूँ, जितना सा मुझे पता हो जितना मैंने वहाँ पे सुना। मैं नहीं चाहती कि लोगों तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन जाए इस वजह से, तो बस आप देखते रहिए, मुझे जितना पता है मैं उतना ही बता रही हूँ। भीड़ देखिए लोगों की, और अब कुछ लोग तो पीछे हट गए थे, वो सुबह जब आएंगे तब उनके दर्शन करके जाएंगे। ये देखो अब सफाई में लग गए हैं, जैसे वो यहाँ से पालकी निकली तो सफाई में लग गए हैं लोग। और ये देखो ये रोज का काम है यहाँ पे। अब हम वापस आ गए थे अंदर से दर्शन करके, क्योंकि अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं था। तो ये देखिए और अभी बज चुके हैं 11 पूरे, और 11 बजे मैं ये शूट कर रही हूँ। और अभी हम लंगर खाने जा रहे हैं, तो रात का जो ये नज़ारा है ना बहुत ही प्यारा है, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत सुंदर, अद्भुत, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। मतलब मैंने हमेशा उसमें देखा था, पर जैसा देखा था ना उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के जो ये जगह सुंदर है। और यहाँ पे चारों साइड से दरवाजे हैं, और चारों दरवाजों का मतलब ऐसा बोलते हैं यहाँ पे कि मैंने सुना है कि सभी धर्मों के लिए यहाँ पे अनुमति है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। रश्मि मेरा और अब हम लोग भी जा रहे हैं लंगर खाने। इतना सुंदर नजारा है ना, सच भी बता रही हूँ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। तो बस अभी हम लंगर खाने जा रहे थे, बहुत अच्छा बना था। यहाँ से भी एक गेट है जो अंदर को, जहाँ से अंदर को आते हैं, तो चारों तरफ से मैंने आपको पूरा घुमा के बताया हुआ है। ये देखिए बीच में गुरुद्वारा साहिब जी, और ये देखो चारों साइड से ऐसे जगमगा रहा था ना, ऐसे जगमगा रही थी ये जगह कि आंखों भी यकीन नहीं हो रहा था सच में। चलिए सबके लिए बहुत सारी दुआएं मांगी, सबके लिए बहुत, सब जितने भी लोग देख रहे हैं, और यकीन नहीं होता सच्ची में, बहुत एक अलग सी खुशी थी मेरे चेहरे के ऊपर, अलग सी। और यहीं पे मुझे शैली दीदी मिले थे, जो कि वीडियो में कल डालूंगी। तो कैसी लगी वीडियो बताना जरूर कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। जय गुरुद्वारा साहिब, जय माता दी।